टेक्निकल एमआरडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबा दीजिए इस घंटी को ताजो आपको मिलते रहे हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। टेक्निकल एमआरडी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम पीएससीएल के बारे में बताएंगे। पीएससीएल ने 31 जुलाई तक गलती सुधारने का मौका दिया है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए आए हो तो वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताजो आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे लाइफ टाइम के लिए। तो मैं इस चैनल में ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो डालता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। जी हाँ दोस्तों, 31 जुलाई तक गलती सुधारने का मौका दिया है पीएससीएल ने। भारतीय प्रतिमूर्ति सेबी ने पीएससीएल लिमिटेड के निवेशकों को गलतियों में सुधार करने के लिए 31 जुलाई 2020 तक का समय दे दिया है। सेबी ने मंगलवार को निवेशकों से कहा है कि अगर उन्होंने 5000 रुपये तक का दावा किया है तो आवेदन की स्थिति की जांच कर लें और अगर उसमें कोई गलती है तो उसे 31 जुलाई तक दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस खबर का मेन मुद्दा जो है, अगर आपने 5000 तक रुपये का आपने क्लेम किया था पीएससीएल को जो रिफ़ंड करने के लिए, तो अभी पीएससीएल ने क्या किया है, तो जिन लोगों ने गलती की थी, जिन लोगों ने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए थे क्लेम करते टाइम, तो अभी सेबी ने क्या किया है, गलती सुधारने का मौका दे दिया है। तो दोस्तों जिन लोगों ने 5000 रुपये का निवेश किया था वो लोग यहाँ से गलतियाँ सुधार सकते हैं। तो अभी 5000 अमाउंट के निवेशकों के लिए ये नोटिस जारी किया गया है। तो अभी आपको जो स्थिति कैसे जाँच करनी है तो आज को मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, इसका लिंक है वीडियो के नीचे, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वेबसाइट का, जहाँ से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपको कोई ऑब्जेक्शन लगा है तो आप जहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, उससे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको वेबसाइट जहाँ पर टाइप कर देनी है sebipsclrefund.co.in। तो दोस्तों जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हो तो उसके बाद आपको ऊपर कॉर्नर में 3 डॉट दिए गए हैं, तो जहाँ पे आपने क्लिक करना है अपने जो भी साइट को आपने डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है। तो जहाँ पे देखिए आपको जहाँ पे डेस्कटॉप साइट की ऑप्शन है जहाँ पे आपने क्लिक कर देना, तो आपका जो वेबसाइट है कंप्यूटर की तरह ओपन हो जाएगा, जहाँ पे जिस तरह आप कंप्यूटर में ओपन करते हैं। तो जहाँ पर देखिए आप इसे जूम करके दिखा देता हूँ आपको, तो जहाँ पर पीएससीएल सर्टिफिकेट नंबर डालना है, जहाँ पर ये कैप्चा डालना है, तो मैं आपको जहाँ पर डाल के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने देखिए जहाँ पे पीएससीएल सर्टिफिकेट नंबर फिल कर दिया, उसके बाद जहाँ पे हमें ये कैप्चा है ये फिल करना है। तो ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो जहाँ पे देखिए जैसे आप इन दोनों चीज़ों को डाल देते हो, पीएससीएल सर्टिफिकेट नंबर और कैप्चा डाल देते हो, जहाँ पर आपको सर्च की ऑप्शन दिखाई दे रही होगी, जहाँ पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप जहाँ पर क्लिक करते हो आपके सामने जो स्टेटस है आपको दिखाई देगा। तो जहाँ पर देखिए ये स्टेटस जहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये देखिए स्टेटस है जहाँ पर, तो जहाँ पे पीएससीएल रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, जहाँ पे नेम पर पीएससीएल सर्टिफिकेट, जहाँ पे पैन नंबर, जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा हुआ है, तो जहाँ पे बता रहे क्लेम एप्लीकेशन स्टेटस योर एप्लीकेशन पीएससीएल सर्टिफिकेट नंबर इतना, तो जहाँ पे आप अपना पीएससीएल सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद कैप्चा डालने के बाद आपको जहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी, अगर आपकी कोई गलती आती है तो जहाँ पे ये मेंशन कर देगा, उसके बाद जहाँ पे रिसोल्व की ऑप्शन आ जाएगी तो वहाँ से आप रिसोल्व करवा सकते हो, जहाँ पे आपने ये फॉर्म फिल किया वहाँ पे जा सकते हो। वैसे तो सभी को मैसेज भी आ जाता है जो भी आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था फॉर्म फिल करते टाइम, और जिन लोगों को अभी तक इसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है तो जहाँ से आप चेक करा सकते हैं कहीं भी शॉप पर जाकर, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास कोई भी स्मार्टफोन नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आप स्टेटस चेक कर सकते हैं अपना पीएससीएल रिफंड का। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।